डियर स्टूडेंट्स, जो पीएनसी का जो पहले जो पार्ट चल रहा था उसी के नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब है बिटवीन, बी ऑब्लिक डब्ल्यू का मतलब है बिटवीन 100 एंड 1000, मतलब 100 और 1000 के बीच में कितनी नंबर बन सकती हैं, किस प्रकार से, सच दैट वो इस प्रकार से हैं कि 7 जो है इकाई के स्थान पर ही आए। तो 100 और 1000 के बीच की यदि बात करें, तो 100 और 1000 के बीच की यदि बात करें हम, तो 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट की नंबर होगी। 100 और 1000 के बीच में, तो जैसे 101 लें, 102 लें, 103 लें, ऐसे लेके 999 तक, तो ये जो हमें डिजिट रिक्वायर्ड है वो 3 डिजिट नंबर है। थ्री डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड, 3 डिजिट की हमें नंबर बनानी है, और 3 डिजिट की बनानी है उसमें भी इकाई के स्थान पर 7 का आना जरूरी है। तो अब इसमें दो केस पॉसिबल हैं। पहला केस तो क्या है कि रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन अलाउड, तो 7 तो ही आ गया, 7 का आने का तो एक ही तरीका होगा, तो 7 यहाँ आ गया, तो अब आपके पास कितनी डिजिट बची, 6 हैं और 2 हैं, 8 और 1 9, 9 है। तो अब रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ है, तो 0 के अलावा कोई भी 9 डिजिट आ सकती हैं। फिर अगली वाली जगह पे देखें, तो अगली वाली जगह पे तो यहां तो 0 की एंट्री हो सकती है, यानी 10 आ सकती है, यानी कहने का मतलब हो गया 9 × 10 × 1 = 90। अब दूसरा केस देखें, रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले में, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड में 7 तो यहाँ आ गया, 7 तो यहाँ आ गया, 7 आने के बाद इस जगह पर 7 नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता, तो ये 6 नंबर आएंगे और ये 2, तो 8 हो गई। अब 8 हो गई लेकिन आएगी तो डिजिट एक ही, तो एक डिजिट आएगी, तो एक डिजिट यहां आ चुकी, लेकिन अब आपका 0 भी आ जाएगा, तो वो जो 7 बची हुई 0 और आ गया, तो यहाँ 8, तो ये आपके 64 डिजिट बन सकती हैं। ये आपका क्वेश्चन है। यदि रिपीटिशन अलाउ हो तो 90 नंबर्स बन सकती हैं, रिपीटिशन अलाउ ना हो तो 64 डिजिट्स बन सकती हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000, इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। देखें जरा, तो 100 और 1000 के बीच में इसका मतलब 3 डिजिट नंबर ही आएगी, 3 डिजिट नंबर एक बॉक्स बनाइए, क्या कह रहा है,
इन विच ऑल डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, सारी डिजिट्स अलग अलग हो, अलग अलग हो इसका मतलब क्या है, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो ये आपके पास जो डिजिट है जिनका यूज करना है, यूज करनी है कौन सी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपके पास जो डिजिट यूज करनी है वो ये है, इन डिजिट्स को यूज करते हुए। तो यहाँ पे तो 0 के अलावा ये 9 आ सकती है, 9 आ गई। अब यहाँ कोई एक डिजिट आ गई, मान लीजिए 2 आ गई, तो आपकी 9 डिजिट ये और 10, 10 में से एक आ गई, तो यहाँ फिर बच गई आपकी 9, और रिपीटेशन लगाने तो फिर अगले में फिर घट जाएगी 8। इसका मतलब क्या हुआ, 9 × 9 × 8, इसका मतलब क्या हुआ, 81 × 8 कितना आया, 8 और 8 ये इतनी पॉसिबल है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट at least one of their digits is 7। मतलब क्या है कि 100 और 1000 के बीच में तो 3 डिजिट की नंबर आएगी, यानी हमें 3 डिजिट की नंबर बनानी है, और उसमें क्या कह रहा है, उसमें कम से कम एक डिजिट 7 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ डिजिट ऑन माइनस जिनमें 7 आया ही नहीं, नंबर ऑफ डिजिट्स डू नॉट हैव 7। देखो टोटल डिजिट आएंगे उनमें तो सभी कुछ आएगा, और उनमें से जो 7 ना आए वो वाली माइनस कर दें, टोटल डिजिट में से 7 ना आने वाली डिजिट माइनस कर दें, तो जो बचेंगी उनमें 7 तो कम से कम होगा ही। क्या आएगा ये वाली, क्या बनेगी, ये 9, अपने पास डिजिट वही है यूज में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां पे 9 ही आ सकती है, यहां पे आ सकती है 10 और यहां 10 माइनस, अब 7 आए ही नहीं, 7 आए ही नहीं, तो क्या होगा, यहां क्या होगा, 7 हटा दो इसमें से, अब अगली बार 7 हट गया, तो अब यहां कितनी डिजिट बची, 9 और 1, ये यहां हो गया आपका 8, ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, 9 और 9, रिपीटेशन अलाउ है इसमें, कितना आ गया ये 900 माइनस ये कितना आ गया
मल्टीप्लाई बाई एट कितना है, 900 माइनस 8 64, तो क्या आ जाएगा 252 आ गए बिट्स। ये पॉसिबिलिटी है। देखिए कम से कम 7 आए, इसका मतलब टोटल डिजिट में से 7 ना आए वो माइनस कर दें, तो जो अपनी डिजिट बचेंगी उनमें 7 आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स मोर देन 600 कैन बी फॉर्म्ड by using the digits 2, 3, 4, 6, 7 और repetition allowed है। तो देखें जरा, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर, तीन डिजिट की नंबर बनानी है हमें, और वो भी 600 से ज्यादा हो, मोर मतलब ज्यादा हो, 600 से बड़ी तीन डिजिट की नंबर बनानी है, और डिजिट जो यूज करनी है वो ये करनी है, और रिपीटेशन अलाउ है, यानी 2, 3, 4, 6, 7 का प्रयोग करते हुए 600 से बड़ी तीन अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। तो 600 से बड़ी तीन डिजिट की, तो जैसे 601, 602, तो 601 से लेके और 999 तक, इतना तक आप जा सकते हो। 601 और 999 के बीच में आपकी तीन डिजिट की नंबर होगी, तो ये तीन डिजिट बना लो इसमें। अब आपको 600 से बड़ी बनानी है, तो 600 से बड़ी बनानी है तो स्टार्टिंग में 2 नहीं ला सकते, स्टार्टिंग में 3 नहीं ला सकते, स्टार्टिंग में 4 नहीं ला सकते। तो 600 से बड़ी तो यहाँ 6 आए या 7 आए, ये दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 6 आए या 7 आए, तो दो पॉसिबिलिटी जो है, यहाँ कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ 6 आने के बाद इनमें से कोई भी डिजिट आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 5 और यहां भी 5, तो कितना आ गया, तो 2 × 5 × 5 तो ये आ गया 50। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट every digit is either 2 or 9। क्या मतलब है इसका, सॉल्यूशन देखें,
हंड्रेड और 1000 के बीच में, इसका मतलब 101 और ये, यानी हमें तीन नंबर की बनानी है, तो तीन बॉक्स बन लीजिए। अब ये पूछ रहा है कि 100 और 1000 के बीच में कितनी नंबर आ सकती हैं, और वो कह रहा है साथ में इस प्रकार से है कि एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9, मतलब ये डिजिट 2 और 9 कुछ हो सकती है, ये भी 2 और 9 हो सकती है, ये 2 और 9 हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे 2 और 9 दोनों में कोई भी आ सकता है, इसका मतलब इसके दो ही पॉसिबिलिटी बन गई, यहाँ भी 2 और 9 तो इसकी भी दो ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी 2 और 9 मतलब यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है। कहने का मतलब कितना आया, 2 × 2 × 2, यानी कहने का मतलब है 8 पॉसिबिलिटीज है, टोटल 8 नंबर्स पॉसिबल हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म्ड। From digits 3, 4, 5, 6, 7 and 8, no digit being repeated. In एनी नंबर, देखें जरा। तो अब हमें कितने डिजिट की बनानी है, 3000 और 4000 के बीच में, यानी 3001 से लेके 3994 ये बीच में बनानी है हमें। इसका मतलब क्या हुआ, 4 डिजिट की नंबर बनानी है, 1, 2, 3, 4। अब 3001 और 3999 ये वाले नंबर हैं, वो सब मतलब 3000 और 4000 के बीच की जितनी भी नंबर होंगी उन सब की शुरुआत 3 से होगी, उसका तो एक ही तरीका होगा। ठीक है, तो 3 तो आपका यहाँ आ गया और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट यहाँ भेज जा सकती है, 5 भेज जा सकती है, तो यहाँ 1 बढ़ चुकी होगी तो 1 कम हो जाएगी, तो यहाँ 4 यहाँ 3, मतलब 1 × 5 × 4 × 3, यानी कहने का मतलब हो गया 60 आ गया, 60 नंबर्स बनाई जा सकती हैं। और देखें, नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिजिट्स डिविजिबल बाय 5,
divisible by pi and lying between 4000 and 5000 can be formed from dates 4, 5, 6, 7, and 8. चार हजार और 5000 के बीच में कितने डिजिट की नंबर होगी? 4005 के बीच चार डिजिट की होगी। अच्छा डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5 है तो 5 का आएगा ही आएगा, यहाँ निश्चित है। उसके आने का एक ही तरीका होगा, दूसरा 4000 और 5000, 4000 और 5000 के बीच में जो भी संख्याएं आएंगी वो सब 4 से स्टार्ट होंगी, तो 4 के लिए फिक्स होगी जगह। इसका मतलब 4 भी चला गया और 5 यहाँ आ गया, तो आपके पास डिजिट कितनी बची? 3, 3 बची। यदि रिपीटेशन अलाउ है, यदि रिपीटेशन अलाउ है तब तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तब तो आंसर आएगा 25। और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो क्या आएगा? यहाँ 4 का एक तरीका, ये 5 का एक तरीका। अब ये दोनों तो चले गए, रिपीटेशन अलाउड है नहीं। अब ये 3 डिजिट बची, तो 3 ये और 2 ये, तो उस स्थिति में आ जाएगा 1 × 3 × 2 × 1 दैट इज 6। तो रिपीटेशन अलाउ हो तब तो ये आंसर है, और रिपीटेशन अलाउ ना हो तो ये आंसर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? Which have exactly one of their digit as 7. Repetition not allowed. क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एग्जैक्टली वन मतलब एक ही साथ आना है, पहला केस, केस फर्स्ट, 7 कम्स एट लास्ट। तो 100 और 1000 के बीच में 3 डिजिट की होगी, लास्ट लास्ट है या एट यूनिट प्लेस, इकाई स्थान पर है। तो 7 यहाँ आ गया, 7 का आने का तरीका देख ही होगा। अब आपके पास डिजिट क्या क्या होती हैं? वही होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 7 आपका यहाँ आ गया। तो आप पास डिजिट कितनी बची है?
दो आठ है और नौ, लेकिन यहाँ पे आठ ही आ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ ये आ गई। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो सात यहाँ गया है और एक जो डिजिट आ गई है वो आ गई है, तो अब आप कितनी बची है आपकी, आठ। देखिए सात आ नहीं सकता यहाँ, और जो डिजिट आ गया है वो यहाँ आ गया, जो डिजिट यहाँ आ गया उसके बाद जो बची तो वो यहाँ। देखिए सात तो ये आ गया, सात के आने का तो एक तरीका रहा। अब यहाँ पहली जगह पर जीरो के अलावा, तो ये छह डिजिट है और ये दो है, गए। अब एक डिजिट यहाँ खर्च हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ जीरो की एंट्री हो गई तो फिर आठ आ गई, तो ये आ गया 8 × 8, 64 आ गया। सेकेंड देखें, सेवन कम्स एट टेंथ प्लेस, मतलब ढाई ढाई स्थान पर है। देखिए तो सात है, सात के आने का तो फिक्स हो गया है, सात के आने का फिक्स हो गया, सात यहाँ गया। अब यहां पर आने के लिए आपके पास डिजिट है नौ, लेकिन जीरो आ नहीं सकता, तो यहाँ आठ और यहाँ यहाँ भी आठ, ये भी आपका 8 × 8 मतलब 64 आ गया। अब केस थर्ड देखें, सेवन कम्स एट हंड्रेड स्पेस, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान क्या आएगा, यहां सात को रख दिया। सात कहने का तो एक ही तरीका होगा, ये सात यहाँ आ गया। अब यहां पर सात के अलावा अपने पास डिजिट कितनी बची, नौ और फिर आठ, तो ये आ गया 9 × 8, ये आ गया 72। तो टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर्स हुई 64 + 64 + 72, यानी 128 + 72 कितना आ गया, 200 आ गया। ये रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन अलाउ होता तो फिर आंसर अलग आता। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।